और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज भाई अब बार बार बाजा मत बजाओ, बजाओ ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, आवाज बैठ गई, थोड़ा कम बजाना। आज जाट बेल्ट में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए भारतीय जनता पार्टी और लोक दल के सभी समर्थक भाइयों बहनों माताओं को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं इस भूमि पर आया हूं जिस भूमि से चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए, देश भर के किसानों के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी। चौधरी चरण सिंह को स्मरणांजलि देकर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। यहां के महान स्वतंत्रता सेनानी सुंदरलाल जी, हरदयाल जी, बिशंबरलाल जी, शांति नारायण जी को भी याद करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मुझे बताओ, मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते? जोर से बोलो, चाहते या नहीं चाहते? मोदी जी ने गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए ढेर सारे काम किए। मोदी जी ने गुड़ और गन्ने के इस क्षेत्र के अंदर गन्ने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाकर ढेर सारे बदलाव किए। भाई और बहनों, आप याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, गन्ने की एफआरपी 210 प्रति क्विंटल थी, 210, और आज 340 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम मोदी जी ने किया है। और भुगतान की जहां तक बात है, 95 से 17 में एवरेज भुगतान 23,000 करोड़ होता था, आज 2,50,000 करोड़ रुपया गन्ने का भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ चीनी मिले, बसपा के शासन में 19 चीनी मिले बंद हुई, अखिलेश के शासन में 10 मिले बंद हुई, और भाजपा के शासन में 20 से अधिक चीनी मिलों को शुरू किया गया और 5 नई चीनी मिले आज नई बनाने का काम हुआ है। और हमने इथेनॉल की पॉलिसी लाकर पहले 2014-15 में इथेनॉल पेट्रोल में मिला है नहीं जाता था, आज 154 करोड़ लीटर इथेनॉल मिलाया जाता है, जिससे गन्ना किसान की आय को बढ़ाने का काम हुआ है। भाइयों और बहनों, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, कुछ नहीं है, बैठ जाइए, जरा बैठ जाइए सब लोग। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस वाले 50-50 साल से धारा 370 को संभाल पर बैठे थे। मोदी जी ने दूसरी बार जब आपने प्रधानमंत्री बनाया, धारा 370 को समाप्त करकर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भाइयों और बहनों,
नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, ये जो गमंडिया गठबंधन है, अखिलेश यादव जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है, मोदी जी ने MSP पर आजादी के बाद सबसे ज्यादा खरीदी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया हूं। 2014 में मैं भाजपा का प्रभारी था, मैं यहाँ आया था केराना से, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से पलायन चालू हो गया था, यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं था। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई, योगी सरकार ने यहाँ पर गुंडों का आतंक बनकर कर यहाँ पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया है। और इसके साथ साथ अब निर्दोष नागरिकों की जगह अब उत्तर प्रदेश से गुंडे पलायन करने लगे हैं। इस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, ये चुनाव में जो घमंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ है, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी के गौरव समारोह में आए, उस दिन उन्होंने भ्रष्टाचारी बचाओ रैली बनाई और वो रैली में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात करी। मैं आज इस मंच से समग्र उत्तर प्रदेश की जनता को कहना हूं, 2014 में मोदी जी ने कहा था, जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है वो जेल में जाएंगे, और 2024 में भी कह रहे हैं, जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। मुझे बताओ, जिन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? भाई और बहनों, उनका मकसद परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी का मकसद देश के किसान, गरीब, मजबूत, दलित और आदिवासी को मजबूत बनाकर अपने पैर पर खड़ा रहना है। आज मुझे अंत में इतना बताइए, संजीव बालियान को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताएंगे? बालियान आगे आओ आप जरा। संजीव बालियान ने मंत्री रहते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा काम किया है। संजीव बालियान को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे?
14 की 14 सीधे मोदी जी की झोली में डालेंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, 400 पार करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी बिंचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गृहमंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, मुजफ्फरनगर में मौजूद संजीव बालियान के लिए वोट मांगे और कहा कि योगी सरकार ने गुंडों का जो आतंक था वो बंद किया। तो जयंत चौधरी अमित शाह के साथ में आपको मंच पर नजर आ रहे हैं संजीव बालियान। आपको याद होगा 2014 का चुनाव, संजीव बालियान पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर उभरे और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो जड़ें थी, जो नींव थी, और उसको मजबूत करने का काम किया।